प्रेस क्लब ऑफ हुली के जाने से आज चिंसुरा खादिना मोड़ के करीब एक हॉल में खून हत्या कैंप लगाया गया, जहां 40 से ज्यादा सहाफियों ने खून हत्या किया। इस तकरीब में मकामी MLA आसिफ मजदार भी तशरीफ लाए और उन्होंने सहाफियों की कारकर्दगी को खूब सराहना की और उन्होंने कहा कि इस मुश्किल वक्त में भी लोगों तक खबरें पहुंचाने के साथ साथ खून हत्या कैंप लगाना वाकई काबिल तारीफ है। আজ কে ওরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করছে, নিজেদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুরা এখানে আছে, আমি এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। যারা রক্তদাতা তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই, ঈশ্বরের কাছে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি সবাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক এবং এই করোনা পরিস্থিতির মধ্যে লকডাউনের মধ্যে সাংবাদিকরা নিজেদের জীবনে ঝুঁকি নিয়ে যে কাজ করেছে তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুক, আল্লাহ ওদের ভালো করুক এবং ওরা পরিবার নিয়ে সুখে থাকুক। আজকে তারা রক্তদাতা, তাদের পরিবারের সুখ এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি। আশা করি প্রেস ক্লাব নির্ভীকতার সাথে তাদের সাংবাদিকতার কাজ করবে। সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার। इस तकरीब में लकेट चटर्जी भी मौके पर पहुंच गई और बोली के कोरोना और अम्फान में जान की परवाह किए बगैर खबर करने के लिए आप सहाफियों को सल्यूट करती हूं। उनसे पूछा गया कि आप पर कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने और रियासती हुकूमत को बदनाम करने का इल्जाम है। इस पर उन्होंने कुछ इस तरह से जवाब दिया। प्रेस क्लब में जो उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, इसके सबको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन में कोरोना के टाइम में अम्फन के टाइम में जो अपने जान को बाजी रखकर जो रिपोर्टर लोग काम किया रास्ते के ऊपर, पूरा खबर सबको पहुंचाया, सब लोग लॉकडाउन में घर के अंदर था लेकिन सब खबर रिपोर्टर ने अपना जान को बाजी रखकर परिवार को छोड़ के उसने काम किया है, इसके लिए मैं उनको सल्यूट करती हूँ और इसका नाम पूरा बंगाल चलेगा, पूरा देश चलेगा। आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि इलाके में गलत अफवाह फैला रही है कोरोना को लेकर, सब लोग पूरा देश समझ गया है कि कोरोना को लेकर ममता बनर्जी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी कल पूरा पश्चिम बंगाल को पूरा टारगेट किया, उन्होंने बोला पश्चिम बंगाल को अभी थोड़ा देखना चाहिए जो कोरोना को लेकर डेडबॉडी को लेकर जो राजनीति हो रहा है, जो ट्रीटमेंट को लेकर जो राजनीति है ठीक ठाक ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है कोरोना पेशेंट को, कोरोना पेशेंट को सम्मान देना चाहिए और जो डेडबॉडी को लेकर हम लोग देखा, जो डेडबॉडी का वीडियो देखा बहुत भयानक है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कोशिश किया, कल भी उन्होंने पश्चिम बंगाल को अलर्ट किया है, इसमें सबको मालूम है कि कोरोना को लेकर कौन राजनीति किया है, हम लोग तो सच को सामने रखकर सबको मालूम कर दिया कि देखो पश्चिम बंगाल में कोरोना को लेकर राजनीति हो रहा है।